हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हो यह है सुबह का मेरे घर का नज़ारा हर रोज़ यही होता है मेरे घर पर इतनी सारी चिड़ियों का आना इसका चहल पहल और इसका गुनगुनाना सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है और जब यह चिड़िया आती है और यह गुनगुनाती है कई सारी कई तरह की चिड़िया आती है मुझे कुछ के तो नाम भी नहीं आते और ये देखो एक साथ लाइन से कैसी बैठी हुई है अपनी बारी का इंतजार कर रही है कि एक राउंड वो चला जाएगा उसके बाद हम नीचे जाकर जो हमने सेव गाठिया डाले हैं वो खाएंगे तो आप लोग भी देख लो देखो अभी सारी उड़ कर जा रही है और यहाँ पर मैं कपड़े फैला रही हूँ मैंने सुबह लगाई थी मशीन और कपड़े फैला रही हूँ अभी पूरे फैला दूँगी और थोड़े से जो कपड़े हैं वो मैं बाहर जो मैंने डोरी लगाई है वहाँ पर डाल दूँगी और ये मेरे घर का मेन गेट है जहाँ से हम अंदर आते हैं तो मैंने बाहर सारे कपड़े फैला दिए हैं थोड़े से अंदर फैलाए हैं थोड़े से बाहर फैलाए हैं और यहाँ मेरी बेटी भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी तो उसको लेकर मैंने गेट बंद कर दिया और यहाँ ये देख रही थी तो मैं कैसी लग रही हूँ और यहाँ मुझे कुछ दिखा रही थी आप लोगों को भी मैं और उसके बाद मैंने झाड़ू तो मेरी सुबह लग गई थी उसके बाद मैंने पोछा लगाया नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे वो किए और कुछ संगवाना था वो संगवाया फिर मैंने भी मेरे बाल बनाए और इसको नहलाया उसको तैयार किया और अभी इसकी चोटी बना रही हूँ उसके बाद उसे मैं उसके उसके साथ बात कर रही थी उसे दवाई भी पिलानी थी तो यहाँ पर मैं इसकी चोटी बना रही हूँ और मैं मेरी बेटी के साथ बात भी कर रही थी तो अभी जब मैं चोटी बना रही थी तब शायद टाइम हुआ था साढ़े ग्यारह या बारह बजे थे तो उतना टाइम हुआ होगा कि सुबह से मैं लगी हुई थी आठ बजे से करीब में काम में लगी हुई थी तो ये सब सारा काम ख़त्म करते करते मुझे हाँ uh, साढ़े ग्यारह बारह बजी जा बज बजी जाते हैं इतना टाइम हो ही जाता है इस बीच में दूध वाले भैया आए थे मैं दूध लेने चली गई थी उसके बाद तो फिर से आकर इसकी चोटी बनाई और इसकी चोटी में मैं ये डोरी डाल देती हूँ और इसे बांध देती हूँ तो शाम तक इसकी चोटी खुलती नहीं है और अभी मुझे बनानी है दोपहर की खाने की तैयारी करनी है तो आज मैं दोपहर के खाने में आलू बैंगन की सब्जी और काठियाँ वाली कढ़ी और बाजरे का रोटला बनाने वाली हूँ और गाजर का संभारा जिसको मैं कद्दूकस करके बनाऊंगी वो भी आप लोगों को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और यहाँ पर ये देखो मेरी बेटी हो गई है तैयार तब तो इस इसको मैं बोल रही थी अब जाओ और आप खेलो मैं करती हूँ दोपहर के खाने की तैयारी तब तो ये खेलने जाएगी और यहाँ पर मैंने सब इस बीच में सब कुछ तैयार करके रख दिया था तो ये संभारा में बना रही हूँ मैंने एक चम्मच इसमें कुकर में तेल डाला था और आधी चम्मच राई जो राई हो गई उसके बाद मैंने जो कद्दूकस करके रखे हुए थे गाजर को गाजर और इसमें दो मैंने हरी मिर्च डाली थी और यहाँ मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और नमक इसमें दो ही चीज़ जाती है और इसे हम संभारा बोलते हैं तो इसे मैं थोड़ी देर पकाऊंगी उसके बाद प्लेट में निकालूंगी इसे ज़्यादा नहीं पकाना होता है थोड़ा सा ही पकाना होता है बहुत पका भी नहीं और बहुत कच्चा भी नहीं वैसा इसे हम खाने के साथ खाते हैं जैसे सलाद खाते हैं वैसे ही पर ये पका हुआ होता है इसे हम संभरा बोलते हैं और ये देखो बनकर हो गया है तैयार तो इसे मैं प्लेट में निकालूँगी उसके बाद मैं सब्जी बनाऊँगी और इस बीच मैंने छाछ को फ्रिज में से निकाल कर यहाँ छोटे भिगोने में ले लिया था जब तक मेरा संभारा पक रहा था और ये इसी कुकर में मैं सब्जी बनाऊंगी अभी इसमें मैं डोलची में से दो बड़े चम्मच तेल ऐड कर दूंगी अभी ये जो चम्मच जैसा आप लोगों को दिख रहा है मैं उसी से तेल को नाप कर डालती हूँ दो चम्मच से ऊपर ही मैंने तेल ऐड किया है बैंगन की सब्जी में और तेल हो गया है और इसमें मैंने राई डाली थी और थोड़ी सी हिंग उसके बाद मैंने दो टमाटर कट करके रखे हुए थे वो ऐड कर दिए और सारे मसाले जो रूटीन के थे वो भी ऐड कर दिए अभी मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ लहसुन की चटनी जो मैंने बना कर रखी हुई है और एक चम्मच लाल मिर्च मैं लाल मिर्च आज ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मैंने जो लहसुन की चटनी है वो ऐड की है इसमें इसी वजह से तो इसी थोड़ी देर भूनूंगी और ये थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद मैं यहाँ थोड़ी सी कसूरी मिर्च थी ऐड कर दूँगी और उसे मिक्स करने के बाद मैं जो आलू और बैंगन को कट धोकर रखे हैं साइड पर उसे ऐड कर दूँगी और एक दो बार उसे चला लूँगी उसके बाद में चलाने के बाद उसमें मैं एक कप के करीब पानी ऐड करूँगी और तीन विसल लगा कर गैस को बंद कर दूँगी उतने में यह सब्जी पक जाएगी यहाँ मेरा दूध भी उबल गया है और जो छाछ थी मैंने उसमें दो चम्मच बेसन का आटा ऐड किया है गुड़ डाला है नमक और हल्दी पाउडर और मैं कर से इसे मिक्स मिक्स कर रही हूँ और साइड पर उबलने के लिए मैंने रख दिया था तो ये उबल गया है और दूसरी साइड दूसरे गैस पर मैंने एक चम्मच के करीब ऑयल लिया है कढ़ाई में और इसे मैं अभी गर्म करूँगी और इसमें मैं मेथी और लाल मिर्च और कड़ी पत्ते कड़ी पत्ता उसका तड़का लगाऊँगी कड़ी में और अभी मैं काचरी तर रही हूँ जो खाने में बहुत अच्छी लगती है ये मेरी काचरी हो गई है फ्राई और इसे मैं निकाल रही निकाल लूँगी और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक चम्मच से आ, से ज़्यादा राई ऐड किए है और मेथी दाना और लाल मिर्च ये मैंने डाल दिया है और ये कड़ी पत्ता और चुटकी भर हिंग ऐड कर दूँगी उसके बाद जो मैंने ये कड़ी यहाँ पर उबाल के रखी है उसे मैं डाल के तड़का लगाऊंगी तो एक वो भर के एक चमचा भर के ऐड कर दूँगी और ये तड़का हो जाएगा हमारा तैयार तो, तो देखो मैंने कड़ी को छोंक दिया है अब ये जो भिगौनो में रखी हुई है ये सारी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे पाँच से सात मिनट तक पकाऊंगी क्योंकि इसे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी मैंने पहले ही भिगौनो में अब उसको पका लिया है इसलिए पाँच से सात मिनट ही पकानी होती है और यहाँ पर ये मेरी कड़ी बनकर हो गई है तैयार और इसमें मैं धनी ऐड कर दूँगी और आज मैं बाहरी चूल्हे पर बाजरे का रोटला बनाना बनाने वाली हूँ आज बहुत ज़्यादा हवा नहीं थी तो मैंने चूल्हे पर ही रोटले बनाए तो यहाँ पर मैं रोटले बना रही थी यहाँ पर मैंने पांच रोटले बनाए हैं और देखो आज बहुत हवा नहीं थी मौसम भी अच्छा था तो बाजरे के रोटले मैंने यहाँ पर बनाए और जो मीठी शकरगंदी आती है वो पड़ी हुई थी फ्रिज में तो मैं इसे इस आँच में सेक लूँगी ये इसमें भुनी हुई बहुत अच्छी लगती है और यहाँ पर हम दोपहर का खाना खा रहे हैं सभी लोग हम नीचे बैठकर ही खाना खाते हैं मैं आप लोगों को दिखा रही थी और हम साथ में ही सब लोग खाना खाते हैं कभी हम अकेले खाना नहीं खाते हम घर में चार लोग ही है पर एक साथ बैठ कर ही सुबह हो शाम हो या दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो हम लोग एक साथ बैठ कर ही खाना पसंद करते हैं और नीचे बैठ कर देखो हमारे घर में डाइनिंग टेबल नहीं है हम नीचे बैठ कर ही खाना खाते हैं और यहाँ पर आलू बैंगन की सब्जी है कड़ी है जो मैंने संभारा बनाया था वो है और शाम को मैंने बच्चों को बना के दी थी मैगी छः बजे के करीब तो यहाँ पर देखो ये मैगी बनाई है अभी ये बच्चे खाएंगे तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना ना भूलना बस आज के लिए बस इतना ही कल फिर